शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की खबरों के अनुसार हर चीज में मिलावट होने लगी है भैया। अरे क्या बात करते हो भैया, धंधा चौपट हो जाएगा, दुकान पे ऐसी बातें मत किया करो। अरे आओ दुलारी बहन, बहुत दिनों बाद आई हूँ ससुराल से। का बताऊं भैया, वक्त ही नहीं मिलता। एक काम करो, हाँ। आधा किलो दाल, अच्छा पाव किलो गुड़ और पाव किलो नमक दे दो। हाँ हाँ अभी लो, जरा बराबर तोलना। एक बात बताओ भैया। हाँ पूछो। जब से गाँव वापस आई हूँ हर कोई बिरजू की बड़ाई करता फिरता है। बिरजू ऐसा है, बिरजू वैसा है, बिरजू बिरजू सुनते तो हमारे कान पक गए। आखिर ये बिरजू है कौन? आदमी के भेष में फरिश्ता है बिरजू। अरे इस गांव का रखवाला है बिरजू। जब से गांव में आया है गांव वालों ने घरों में ताला लगाना छोड़ दिया है। कितने दिन हुए उसको यहाँ आए हुए? यही कोई 6 महीने। कहाँ से आया है? कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये कोई नहीं जानता। पूछो तो बताता नहीं, हमें तो कोई दुखियारा लगता है बेचारा। अरे दुखियारा काहे का,
मुझे तो बहुत बड़ा फरेबी लगता है। अरे राम, राम राम राम, कैसी बात करती हो दुलारी बहन। अरे बहुत देखे ऐसे ढोंगी, भलमनसी का ढोंग रचाकर गांव वालों को लूटने वाले फरेबियों की कमी नहीं है इस दुनिया में। अरे दुलारी बहन, यही तो है हमारा बिरजू। इंसान तो इंसान, इस गांव के जानवर भी इसे प्यार करते हैं। हमको क्षमा कर दो प्रभु, अब भगवान के बाद हमारी जबान पर अगर किसी का नाम आएगा तो सिर्फ बिरजू का आएगा। पिछले 6 महीनों से वो खतरनाक मुजरिम फरार है। मुझे अफसोस है कि आज तक आप लोग उसका सुराग नहीं लगा सके। लेकिन आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। सर, उसकी पहचान करना इतना आसान नहीं। भागने से पहले मुजरिम ने अपने सब फोटोग्राफ जला दिए। आई नो दैट ऑफिसर, और ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कॉलेज फाइल से जो तस्वीर निकली है वो पूरी तरह साफ नहीं है। और हाँ, उस स्केच का क्या हुआ जो मैंने उसकी पहचान वालों से मिलकर बनाने के लिए कहा था? सर, ये है वो स्केच। छू सकती हो लक्ष्मी? सच्ची? मैं तुम्हारी जंजीर खोल दूंगा, उसके बाद छू लेना। मेरी जंजीर खाली, खाली, मेरी जंजीर खाली। मैं उसके पैर दबाऊंगा, उसके पैर नहीं दबाऊंगा, तेरे पैरों में जंजीर बांध दूंगा जिंदगी भर के लिए, समझी? राम ठाकुर साहब। नमस्कार। राम ठाकुर साहब,
पंडित जी नमस्कार। राम राम ठाकुर साहब। दादा दिन भगवान ने चाहा तो देखना बिटिया सुखी रहेगी हमारी। हाँ हाँ काहे नहीं सरकार। राधा बेटी। अरे ओ राधा बिटिया। जी बाबूजी। अरे बिटिया आज हम बहुत खुश हैं। पूछो क्यों? क्यों बाबूजी? अरे अपनी बिटिया का रिश्ता जो तय करके आ रहे हैं और वो भी कहाँ, रामपुर के ठाकुर गजेंद्र सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह के साथ। क्यों नहीं बेटी किसकी है? क्या बात है बेटिया, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है बाबूजी। माधव कहाँ है बेटिया, जाओ उसे बुला के लाओ, उसे भी तो ये खुशखबरी सुनाए। आराम सादे, पैर दबाने को बोला है, पैर सहलाने को नहीं। शरीर में जान नहीं है क्या? ठीक से दबा। अबे देखता भैया, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। ठीक है आता हूँ, चल जा अभी वो कवर के ला। ये क्या किया छोटी मालकिन, हाथ जला लिया? हराम जादे, तूने मेरी बहन का हाथ लगाया, तूने छोड़ा मेरी बहन का, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे मालिक साले, कर गॉड हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर की इज्जत को छुआ तूने, और साले आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रामजादे आज मैं तुझे से मार दूंगा। नहीं भैया, नहीं भैया। पीछे हट तू, हट जा। नहीं भीमा रामू शंकर पकड़ो। सादे कुत्ते, हट जा नहीं तो आज तेरा भी खून बहा दूंगा। जान दे दूंगा छोटे ठाकुर, जान लेने नहीं दूंगा। गांव के झूठे पत्तल चाटने वाले कुत्ते, तू मुझसे मुकाबला करेगा? इस गांव के मुखिया के बेटे से तू मुझसे लड़ेगा? रुक जा बेटा, रुक जा, बेटा रुक जा, बस बस बेटा। अरे जाए दे छोटे ठाकुर, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए, सारे गांव वालों ने तुझे सर आंखों पर क्या बिठा लिया, तू मुझे आगे दिखाएगा मुझे? अबे तू क्या समझता है ये गांव वाले तुझे मुखिया बना देंगे? मेरे पिताजी की जगह इन्हीं गांव वालों से अगर मैंने तुझे धक्के दिलवा कर बाहर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम माधव सिंह नहीं कुत्ता डाला। चार दिन से यार, डॉक्टर भी कैसा है यार, कोई आराम ही। अरे बाप रे, मर गया मर गया। अरे अरे अरे, अजीब पागल मरीज है, इसे इंजेक्शन दिया भी नहीं और चिल्ला के चला गया।
मेरी समझ में नहीं आता ये गांव वाले मुझे इंजेक्शन लगाने क्यों नहीं देते। नेक्स्ट। राम राम तोला राम। है ये क्या बदतमीजी है? राम राम सियाराम कहा जाता है और तुम राम राम तोला राम कह रहे हो? नहीं नहीं, राम राम हम आपको कह रहे हैं और तोला राम हम अपना नाम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बात है। अच्छा बताओ कि तकलीफ क्या है? बहुत वाहिया तकलीफ है साहब। जरा हाथ दिखाओ। उल्टी जुलाब होते होंगे। हट, उल्टी जुलाब तो बच्चा लोग करते हैं, हमको उल्टी जुलाब होगा? बहुत ज्यादा कपकपी होती होगी, बदन ऐसे कांपता होगा जैसे चिपकली की कटी दुम। अरे नहीं, कहाँ कटी हुई दुम हिला रहे, कोई दुम नहीं हिलती यार। अच्छा अच्छा तो क्या बीमारी है बताओ तो? शर्म आती है साहब। गुप्त रोग है। हट, क्या गंदी गंदी बात करते हो, तेरी माँ बहन नहीं है का? सुनो। अरे नहीं बाबा, है सब है, का ऐसी बात नहीं करो यार। अरे फिर अपने मुंह से बताओ ना क्या बीमारी है। तो बताते हैं, हमरे वहां तकलीफ है। हाँ? आंखों में। जैसे ही 12 बजते हैं ना तो हमारी आंखों में एक्सरे मशीन लग जाती है और हमको सामने वाला एकदम नंगा दिखाई देने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें सब लोग नंगे नजर आते हैं। अच्छा मजाक है। अच्छा नहीं है, मजाक नहीं है, क्या बात करते हो साहब? ये हमारी खानदानी भी मेरी किताब में कहाँ ढूंढ रहे हो? किताब में थोड़ा ही मिलेगा, हमारी जबान में मिलेगा। अच्छा अच्छा, अब बताओ तुम्हें क्या होता है? अरे साहब हमारी तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही 12 बजता है ना तो हमारे सामने जो आदमी खड़ा होता है उसके खट 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 एक एक करके सब कपड़ा गायब हो जाता है। अब जैसे आप अभी 12 बजे अगर आप हमारे सामने खड़े रहें तो आपका ये कोट, ये कमीज, ये पतलून सब गायब हो जाएगी और आप हमको खाली चड्डी में दिखाई देंगे, वो भी अगर आपने पहनी हो तो। वेरी गुड जोक, आई लाइक इट। अरे सुनो भाइयों, ये नया मरीज आया, इसकी आंखों में एक्सरे लगा है, कहता है 12 बजे इसे सब लोग नंगे नजर आते हैं। नंगे। अरे नीचे क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। तुम्हारी तरफ क्या देखो? फटी हुई चड्डी पहन के खड़े हो, बोलते मेरी तरफ देखो। फटी हुई? और क्या, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने फटी चड्डी पहनी है? तुमने पीली चड्डी, नीली और पीली धाड़ी वाली नहीं पहनी हुई है? इसको कैसे पता चला? मैंने पहले बोला। आंखें बंद कर लो। नहीं नहीं, आंखें बंद करूंगा तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर चड्डी भी गायब हो जाएगी, पूरे नंगे दिखाई दोगे। अरे बाप रे, आंखें ढक लो ना हाथों से। अगर हाथों से आंखों को ढकूंगा तो मेरे को दीवार की उस तरफ का दिखाई देगा। दिखाऊं? क्या हुआ? छी, तोबा तोबा तोबा, डॉक्टर साहब आपके पास जहर है? क्यों? फौरन पी लो एक गिलास। नहीं लेकिन क्या हुआ? उधर है ना आपका कंपाउंडर, आपकी बीवी को है ना? अच्छा अच्छा, वो पप्पी बोरी है कलाइयां पहना दो तुझे हरी हरी चूड़ियां। अबे तेरे तो मैं नौकर लगा दो तुझे नाले। अबे मेरी बीवी के लिए तुझे पहना रहा था। मैंने सही कहा था ना? तुमने बिल्कुल सही कहा था, इसका मतलब हम सब नंगे हैं। अरे पूरे नंगे दिखाई दे रहे हो। हे भगवान, ये हमारा बाप कैसा नंगों का खानदान पैदा कर दिया है। एक भाई को नंगा देखने की बीमारी है तो दूसरे भाई को नींद में चलने की बीमारी है। खन, खन। सारी रात नहीं सोने देती, रात भर खर्राटे भरती रहती है, मानो इंजन में कचरा भर गया हो। हट। भगवान बचाए ऐसी जरूर से औरत है कि आफत। कलवा के बापू, खर्राटे के साथ नींद में बोलने की भी बीमारी हो गई है। अरे भगवान बचाए ऐसी जोरू से।
छोड़ो ना जी, अभी तबीयत ना ही है ना। तेरी तबीयत तो मैं ठीक करता हूँ। अबे भोला तू, तेरी है हिम्मत? नाज़ो भोला है राम। मैं कहा हूँ? कहा अभी तो यही हो बचवा, थोड़ी देर में ऊपर पहुँचा दूंगा। ये मचा, ऐसा मत करो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे छोड़ दो ना दादाजी, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो दादाजी, अबे मैं छोड़ दो, खुदी करो। अरे भाग के कहाँ जाओगे हराम कोर, तुमको चिंता ना छोड़ेंगे। अरे भागत कहाँ है हराम कोर, क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अरे दादा दीन काहे मार रहे हो बेचारे को? अरे मारने दो, तोरे बाप का काहे है? वैसे दादा दीन, इसने किया क्या था? अरे लाला किया क्या था? किया ये था कि हमारी बीवी से लिपट लिपट के चुम्मा ले रहा है। तो नींद में हम उठ गए, खटका भाया, वरना हम गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। अरे हराम खोर, अरे हम कहते हैं माँ जूता लेके उसमें घोड़ा के नाल लगा के गपा गप मार मार के उसका टकला तला सुझाई दो, ये हमारी नाक कटवाई के गांव में फेंकवाई देगा। अबे तोले तोले, तू जो हर रोज 12 बजे पनघट पर नजारा करता है, वो तो हम बीमार हैं। हाँ बीमारी का मजा लूटता है, उससे क्या खानदान की नाक लंबी हो जाती है क्या? हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे उस दिन 12 बजे तू उस मुरली की बीवी को नहीं देख रहा था? हे भगवान, अरे बुरा हो इनके बाप का। अरे इन दोनों की बीमारी इनके बाप को भी थी, मरने से पहले बीमारी का बंटवारा करके चला गया, अब जायदाद का बंटवारा करता तो हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अम्मा तो इनकी शादी काहे नहीं करवा देती? दोनों इधर उधर मुंह मारना बंद कर देंगे। अब इन्हें कौन समझाए? मुझसे कहते हैं जब तक इनके सपनों की रानी नहीं मिलेगी तब तक ये शादी नहीं करेंगे। कौन हो तुम लोग? अयो अम्मा, हम नौटंकी वाला जी, गांव में जाके नाचना गाना हमारा पेशा जी। मेरा नाम मुत्तु कृष्णन स्वामी पिल्लम पिल्ले, मैं हारमोनियम बजाता जी। अमार नाम गानपाशन गुप्ता है, आमी सिंगर, अमार गान बहुत सुंदर, एक बार अपने गांव में आने दो, पूरा गांव अमार गान का दीवाना हो जाएगा। हाँ तुम लोग इस गांव में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता जी? क्योंकि बाहरी लोगों का इस गांव में आना मना है। ओए होए होए, सकल तो जमादार से भी कई गुजरी है और अपने आप को जमींदार समझता है, जरा हम भी देखत है कैसे नहीं आन देत। चलो हमरे संग। एक कदम में किसी ने आगे बढ़ाया तो टांगे तोड़ दूंगा। टांगे तोड़ोगे? बिजली नाम है हमरा, हमरे एक एक ठुमके पे सौ सौ बिजलियां गिरती है, और जिस पर साक्षात गिरती है वो तो जलकर राख खुल जाते है। तुझमें इतनी आग नहीं कि एक फौलाद को पिघला सके। लड़के कौन हो तुम और क्यों झगड़ा कर रही हो? लगता है ये गांव का कोई खास आदमी है। साहब हम ठहरे गरीब नौटंकी वाले, इससे कहा कि नदी पार करा दो तो यकड़ के बोलने लगा कि हमारा इस गांव में हुक्म चलता है, हमारे मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये झूठ बोलती है छोटे ठाकुर, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इस गांव में बाहरी लोगों का आना मना है। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि हमारे गांव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा? ये मत भूलो कि तुम्हारी औकात हमारे गांव में एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है, समझे? हटो सामने से। तुम आओ मेरे साथ। आइए संभल के। Thank you.
कटारी है ये कन्याकुमारी है कुंवारी है ये तीखी कटारी है हाय 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 दरोगा जी दरोगा जी तू हमारी रपटी खिले मेरे पीछे पड़े हैं आठ दस लड़के मेरे पीछे Ha ha ha!
लूट गई? अरे मुझे लूट लिया रे। अरे बाप रे, अरे बिजली लूट गई, बिजली लूट गई, लूट गई। अरे कौन लूट गई? कौन लूट गई? कौन लूट गई? कौन लूट गई? बिजली लूट गई। कहीं रात को सोते में तूने तो नहीं लूट लिया? नहीं, मैं रात भर उसकी तरफ देखकर जाग रहा था। तूने तो नहीं लूटा? नहीं, मैं तो रात को आंखों के डॉक्टर की मैयत में गया था। फिर किसने लूटा? चल 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 के पूछते। तुम? अरे राम राम, मैंने कहा लूटा भैया? मैंने भी नहीं लूटा भैया, मैंने नहीं लूटा। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी तो तकदीर ही खराब है, यहाँ लूट मार मची थी, हमको पता ही नहीं चला। का गांव वालों ने लूटा? नहीं, हमारे साथियों ने लूटा ना। फिर का लूटा? हमारा पूरा पैसा लूट लिया ना। पैसा लूट लिया? अरे तोरा सत्यानाश हो। हमारा भाई कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। जिंदगी भर की पूरी कमाई लूट ली अम्मा, अब हम क्या करें? पेना, अब हम उनको कहाँ ढूंढे? हमरा इस दुनिया में कौनो नहीं, हम कहाँ जाए, कहाँ रहे? हमरे घर में आ जा, हमरे घर में। बहुत जगह है, बहुत जगह है। वो भैंस भैंस के पिछवाड़े नहीं। बेटी, आज से तुम हमारे गांव में रहोगी और ये सब गांव वाले मिलके तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। काम करना। हमारे खातिर कितना कष्ट उठा रहे हैं आप लोग। अरे कष्ट की कोनो बात नहीं रानी, एक इशारा कहते हो कसम से जान दे दे तोरे बदले। हाँ। ना ना, ऐसा मत करना। जान दोगे तो हमारे घर की जगह तोरी कब्र बनानी पड़ेगी कसम से। दिखता नहीं का? तो देख के खड़े रहो, गिर रहा है। किसका दरवाजा उठा लाए? अपने भाई के कमरे का दरवाजा उखाड़ लाए। काहे? काहे कि उसको रात को नींद में चलने की आदत है ना। हाँ। रात बिरात उठता है, जाके दरवाजे से टकराता, भड़ से गिर के जमीन चाटने लगता है। एक दिन तो ऐसे टकराया कि उसका मुंह जो है बिल्कुल तकिया के भांति चपटा हो गया। पता नहीं चला कि उसका मुंह कहाँ है, उसकी आंख कहाँ है, उसकी नाक कहाँ है, इसलिए वो उखाड़ लाए। अच्छा किया। छत भी ले आए? नहीं नहीं, तो कोई काम तो दे। अरे अब हम तुमका का काम दे? कई लोग कटिया जाड़ा लगे। ये किसकी कटिया उठा लाए? कटिया भाई की। तो ये, अरे तो ये कहाँ सोएगा? कौन? हमरा भाई। वो सोता कहाँ है? रात भर हमारे दरवाजे के बाहर पहरा देता है। हमें नींद में चलने की बीमारी जो है ना। अच्छा तो ई बात है। और नहीं तो कहाँ, खाट खाली पड़ी थी, माँ कहती थी बेच दो, हम कहते थे रहने दो, भाई मरेगा तो उसे शमशान ले जाने के लिए काम आएगी। अब तुम आ गई हो तो हमने सोचा कि भाई को शमशान ले जाने तक तुम्हारे काम आ जाएगी, इसलिए उठा कर आया। पहुँचाएगा साला, तोरी तो शमशान पहुँचाएगा। अरे लाला, तुम कहाँ जूते पे मुंह मारने चले आए? अरे वो तोले की। अरे माफ करना, जूता हाथ से तो नहीं लगा? नहीं। आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? अकेले नहीं, फौज लाया हूँ, फौज। ये फौज कहाँ जा रही है? अपने अपने मर्दों की पिटाई करने। अच्छा, वो हमारी शादी नहीं हुई। बहुत मारना, छोड़ा नहीं। खुश हो जाता है बिजली का घर बना, और हुआ हमने संडास होने के लिए कहा तो नहीं किया। हाँ, ठहरो, अभी बनवाते हैं बिजली। अरे तू अपना घर बनाने की बात कर रही है, उधर कोई तेरा घर बसाने की सोच रहा है। कौन? ठाकुर माधो सिंह। अरे तुझे रानी बनाकर रखेगा, रानी। ये देख, 1000 रुपए भिजवाया तेरे लिए, आएगा के कर देगा। अबे ओ लाला, जाके कह देना अपने ठाकुर से बिजली नाचने गाने वाली है, धंधे वाली नहीं, समझा? अरे बहुत देखी तू जैसी लुटेरों की जान। अरे बाला, 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 अरे समुंदर और हुस्न को बांध के नहीं रखते लाला,
हाथ पांव बहुत चलाती है ससुरी। हुजूर, मेरा कहा मानो तो जो कुछ करना है ऐसे ही कर डालो। अच्छा हाँ। हम भी तो देखें कि इसकी जवानी में कितना जोश है। ए, खोलते इसे। अरे मैंने कहा था ना जो कुछ करना है ऐसे कर लो। बहुत नमकीन है। के बाद तू भी क्या याद करेगी, किसी मर्द से पाला पड़ा था। लड़की की इज्जत लूटने के लिए भी जो दूसरों की मदद लेते हैं वो मर्द नहीं होते ठाकुर। लड़की को छोड़ दो ठाकुर, लड़की को छोड़ दे ठाकुर, ठाकुर ठाकुर लड़की को छोड़ दे ठाकुर, ठाकुर लड़की को छोड़ दे ठाकुर, लड़की को छोड़ दे ठाकुर, ठाकुर लड़की को छोड़ दे, ठाकुर लड़की को छोड़ दे ठाकुर। तेरे पिता के बहुत एहसान है मुझ पर, इसीलिए समझाया जा रहा हूं, लड़की को छोड़ दे ठाकुर। बदतमीज, अपनी नहीं तो अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल किया होता। लोग तो यही कहेंगे ना कि बाप ने जिस लड़की को शरण दी बेटे ने उसी पर बुरी नजर डाली, बाप दादों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो ए, रस्सियां खोल दो। बेटी, मैं अपने नालायक बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। बिरजू बेटे, इसे इसके घर पहुंचा दो। अरे हमरी मानो तो छोटे ठाकुर का कौनो दोष नहीं है, दोष है तो इस चुड़ैल का है जिसने सारे गांव के मर्दों पर जादू कर रखा है। ठीक कहती हो चाची, जब से बिजली हमरे गांव आई है हमरा मरद हमरी खटिया की तरफ झांकने तक नहीं आया। अरे हमरे मरद की का सुनाई बहना, रात रात भर पड़ी तरसती रहती हूँ, मुआ ना बोलता है न मुझे देखता है, दूसरी तरफ मुंह फेरे सोया रहता है। हाँ। अरे हमरी भोला और तोला में तो 16 भड़काई दीस है, उसका नाम लई लई के दिन भर घर में महाभारत मचाई रहते हैं। मैं तो तंग आ गई। चाची अब उस चुड़ैल का कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। लो चुड़ैल का नाम लिया, चुड़ैल हाजिर। अरे हमरी जवानी में तो हमरी चाल इससे भी अच्छी थी। एक बात पूछू बहना? हाँ पूछो। हमका हमरे बिरजू के बारे में कुछ बताओ ना। कहा जानना चाहती हो? यही कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। तो हार दिल आ गया का बिरजू पे? हाँ कुछ
ऐसा ही समझ लो। बिरजू का दिल मोम का नहीं पत्थर का है। हाँ। अगर मेरा ये हुस्न प्यार की शोलों में बदल जाए ना तो फिर इंसान क्या चीज है, पत्थर भी पिघल जाए। हाँ। अरे शर्त लगा ले, वो तुझसे फंसेगा नहीं। हाँ। और अगर वो फंस गया तो तुम लोग उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओगी। अगर नहीं फंसा तो जो तुम कहोगी वो मैं करूंगी। पक्का पक्का। बिरजू, आज हमने किसी को अपनी जान देने का इरादा किया है। हाँ? और लगता है तुमने किसी की जान लेने का इरादा किया। एक तो तुम नजर उठा के कभी देखते नहीं हो, और अगर देखते हो तो आग उगलते हो। लगता है आग से तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता है। अरे सुनो तो। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। प्यार का खेल दोधारी तलवार है बिजली, इसका खिलाड़ी कभी कभी खुद भी घायल हो जाता है। घायल क्या होंगे, ऐसी बेरुखी दिखाओगे तो मर ही जाएंगे हम। हाँ, तुम्हारे करीब आते ही हमारे अंग अंग में एक आग सी लग जाती है। अपने होठों की प्यास बुझाकर हमारे तन की आग बुझा दो बिरजू। आ Thank you.
जो हम कहेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। क्या करना होगा मुझे? रक्षाबंधन के दिन गांव के सब मर्दों को तुझे राखी बांधनी होगी। राखी? हाँ, फिर वो सब भाई लोग मिलकर एक दिन तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ करा देंगे। अरे भाई, बारात आने में सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। किशन कहाँ चला गया? अरे लाला जी। जी ठाकुर साहब। लाला जी, बारातियों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिर ठाकुर मदन सिंह की इकलौती बेटी की शादी है हमारी लाडली की। छोड़ दो, हट जाओ हमारे रास्ते से, हमने मरने का फैसला कर लिया। ठाकुर साहब, ये रहा 9 लाख हार, राधा बिटिया पे खूब फबेगा। माधव बेटा, जाओ जरा राधा बिटिया को बुला के लाओ, देखे हमारी बिटिया ये हार पहन के कैसी लगती है। जी पिताजी। तुमने क्या इसे इसलिए प्यार किया था कि एक दिन इसे कुएं में गिराकर इसे जान से मार दो? अरे मर्द की तरह इसका हाथ थामा है तो मर्द की तरह जिंदगी का मुकाबला भी करो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम लोग रातों रात इस गांव से भागकर शादी कर लो। राधा, ओ राधा, राधा, हरिया, शंका। बिरजू भैया के होते हुए नदी पार करना बहुत मुश्किल है। ये बिरजू के बच्चे को तो हम यूं हटाए देते हैं रास्ते से। तुम लोग नदी पार कर जाना। कौन है उधर? लगता है दोनों नदी पार कर गए। बिरजू की नाव भी तो नहीं है। इसका मतलब है दोनों को भगाने में बिरजू का ही हाथ है। हमने तुम्हें अपने गांव में पनाह दी और तुमने हमारी पीठ पे छुरा भोंका। तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। ठाकुर साहब, मैं इस गांव की इज्जत का रखवाला हूँ, लुटेरा नहीं। और मैं वचन देता हूँ आपको कि कल सुबह सूरज उगने से पहले अगर उन दोनों को आपके सामने लाकर खड़ा नहीं कर सका तो मेरा सर काट कर अपनी हवेली की दीवार पर सजा दीजिएगा।
ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्रग्नाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। बिरजू भैया के होते हुए राधा बहन चली कैसे गई? कुत्तों किसी को भी जिंदा नहीं। जाओ छोटे ठाकुर। मैंने अपना वचन पूरा किया, अब पूछिए इनसे इनको भगाने में इनकी मदद किसने की? ए, पूछना क्या है? इस हरामजादे किशन ने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, कुचल के रख दो इस सांप के बच्चे को। ठाकुर, इनकी तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मां कसम इस हवेली में लंगड़े लुलो की फौज खड़ी कर दूंगा मैं। अबे ओ हरामजादे, आखिर तुम चाहते क्या हो? इन दोनों की शादी। बाकी रसम उधर निपट चुकी थी, सिर्फ फेरे लेने बाकी रह गए थे। आइए पंडित जी मंत्र पढ़िए। आओ किशन। ये हरगिज नहीं हो सकता। ठाकुर घराने की लड़की की शादी एक नीच जात के मामूली नौकर से आकाश पाताल का मिलन कभी नहीं हो सकता। हो सकता है ठाकुर साहब, हो सकता है। एक बार अपनी आंखों से ऊंचे खानदान का चश्मा उतार कर अपनी बेटी के दिल से पूछिए कि वो किशन को कितना प्यार करती है। यकीन मानिए वो अपना कलेजा निकाल कर आपके हाथों में रख देगी। तू कौन होता है हमारे घरेलू मामले में टांग अड़ाने वाला? मैं कहता हूं चुपचाप यहां से चला जा। ए लड़के, ये हमारा घरेलू मामला है, कोई साला बीच में आएगा नहीं। दो हजार से चला जा, लड़की गांठ बांधना नहीं, या कोई शादी होने नहीं होगी। ये प्यार मोहब्बत का मामला है छोटे ठाकुर, प्यार मोहब्बत से निपट जाए तो अच्छा है। पहले तो मैं तुझे निपटाऊंगा। मंगलम भगवान, मंगलम पंडित मंत्र पढ़ो। मंत्र चालू रखना पंडित जी। ये शादी नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा ये शादी। आइए ठाकुर साहब, वरवधु को आशीर्वाद दीजिए।
इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। मैं अभी इंतजाम करता हूँ डॉक्टर साहब। यस। शहर यहाँ से बहुत दूर है, ले जाने में खतरा है, आप इनका इलाज यहीं कीजिए ना। सॉरी आई कांट टेक द रिस्क, इट इज अ सीरियस अटैक। नहीं डॉक्टर साहब, ये सीरियस अटैक नहीं है। एम आई द डॉक्टर? यू, व्हाट डू यू नो अबाउट हार्ट अटैक? यू कंट्री ब्रूट, यू आर गोइंग टू टीच मी अबाउट मेडिकल प्रैक्टिस? यस आई कैन टीच यू अबाउट मेजर एंड माइनर कार्डियक प्रॉब्लम्स। But right now I don't want to waste time. So just know this much: that for an attack, normally an injection of a morphine and pethidine is given, and for your kind information, these two injections are available at every general and municipal hospitals. Understand? And this is that morphine, you stupid doctor. साले पैसे खिला खिला के डॉक्टर बन जाते हो। घबराओ मत भैया, थोड़ी देर के बाद इन्हें होश आ जाएगा। बिजली बिजली प्यारी बिजली, बिजली 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 को लाऊंगा मैं दुल्हन बना के, बिजली को लाऊंगा मैं जोरू बना के, बिजली को लाऊंगा। राम क्या बे? मैं तुझसे हजार बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ, और आखिरी बार के बाद जो बार आता है उस बार से कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा। अबे तेरा कौन सा रास्ता? रात को नींद में चलने वाला लकड़ा भग्गा, तेरा कौन सा रास्ता बे? बिजली का रास्ता। बिजली? तेरा बिजली से क्या लेना देना बे? अरे मेरे भेजे की मलिका, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मेरे पेट की ठंडक, मेरे। और क्या है रे? मैंने तुझसे कितनी मरतबा कहा बिजली का नाम लेने से पहले कुल्ली कर लिया कर, उसका नाम मेला हो जाता है, और जब वो तेरे सामने आया करे तो कालीन की तरह बिज जाया कर। वो तेरी होने वाली भाभी है। वो मेरी होने वाली भाभी नहीं, वो तेरी होने वाली भाभी है। देखा नहीं कितने प्यार से देखती है मुझे? तो क्या हुआ, हर भाभी देवर को प्यार से देखती है। अच्छा तो आज फैसला हो ही जाएगा कि वो किसकी भाभी है और किसकी बीवी है। मंजूर है, चलो आओ। झाड़ू की तलवार से तू मेरी गर्दन काट डाल, अगर तू मेरे अरमान मेरे कलेजे से उखाड़ नहीं सकेगा। बिजली मेरी थी, बिजली मेरी है, आगे मत बढ़, बिजली मेरी रहेगी, आगे मत बढ़। देखा स्वामी, देखा तो हार निखट तू पिल्ले कैसे आवारा कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। हाय दैया। दैया नहीं, ये बिजली का भैया है। ये कैसा दिख रहा है? अप! क्या आदमी इतनी हल्दी गिरा दिया? ये तो अच्छा हो मेरे कपड़े खराब नहीं हुए, तुमको तो नहीं लगा ना? नहीं। बिजली का छोटा भैया, अब ये देखो बिजली का पीला भैया। क्या रे? क्या रे? भैया किसको बोलता है? अरे 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 अरे, कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अभी तो नए बनवाए थे। हे भगवान, मैं क्या करूं इन बच्चों का। अरे बिजली आ गई तू, आजा आजा, आ तुम लोग भी आओ।
भोला भैया, तेरे को बुला रही। चलो चलो। भोला भैया, हम आपको राखी बांधने आए हैं। अरे हाथ आगे बढ़ा ना। अरे तोला भैया कहाँ गए? अरे तोला, अरे वो इधर गया होगा, पकड़ के ले आओ उसे। बांधो उसको भी राखी। अरे, अरे, अरे देखो हमारी तबीयत बहुत खराब है, हम बहुत परेशान हैं। अरे क्या क्या कर रहे? अरे नहीं देखो, हाँ ये इतनी सारी राखी काहे के वास्ते? आज से ये सब तेरी बहनें हो गई। ये चलेंगी, ये बिजली तो नहीं ना? हाँ? बिजली भी तेरी बहन हो गई, समझा? भाई का कान पकड़ते तेरे शर्म नहीं आती? चलो मां, अपन दूसरे गांव में जाके रहेंगे। अरे चुप रहे, कुछ भी बकता रहता है। चलो चलो दूसरे शिकार पे चलना है। संभाल के अपने पति को मत बांध देना। आरामखोर, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ यार, देख आज मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी है। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। रुको 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 जरा, रास्ता काहे रोक लिया? का काम है? तुम सबको राखी जो बांधनी है। कौन बांधेगा राखी हमें? मैं बांधूंगी। अरे बाहर, अरे काहे भागा तो भैया? अरे गजब हो गया भैया, गजब हो गया। का गजब हो गया? अरे उस सबका राखी बांध रही है। अरे कौन? अरे बिजली। अरे ये तो बाकी गजब हो गया। भागो, अरे भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ओ बिजली, ओ बिजली, इन्हें भी राखी बांध के अपना भैया बना ले। हाँ बांध बांध, बिखर गए। ये क्या हो? बिरजू बिरजू, आजा आजा। क्या बात है माजी? अरे चल जरा, बहुत जरूरी काम है, तो चल तो सही। अरे ओ बिजली, जरा तनिक इसे भी तो राखी बांध दे। हाँ हाँ बांध देती हूँ। अरे अरे बांध ना, देर काहे को कर रही है। बिरजू को क्यों नहीं बांधती राखी? कौन लगता है ये तेरा? हाँ हाँ, कौन लगता है ये तेरा? तेरी बातों में ना आऊं, ना जान के जान गवाऊं। अरे जा जा, अरे जा जा, तुझ पे मरने से अच्छा है कहीं डूब के मैं मर जाऊं। ओ दीवानी ए ओरा,
तुझे समझाऊं क्या है मेरी मजबूरी, दुनिया मेरी बेरंग है, ओ तेरे सपने हैं सिंदूरी। नहीं खाएगी तो ये जो फूल है ना ये मुरझा जाएगा। वो तो मुरझा गया। तू रो मत, तू खाना खाएगी ना तो एक नया फूल खिलेगा, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा, बिल्कुल तेरी तरह। सच्ची? लाता हूं। बहुत बुरा तुम। लक्ष्मी, मेरा नाम बिजली है, क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? ये बिजली से तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो तुम्हारा कौन लगता है? हाँ? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हे भगवान, लगता है ये लड़की पागल है। बहुत अच्छी हो। अच्छा एक बात तो बताओ, बिच्छू तुम्हें सबसे छुपा के क्यों रखता है? किसने? अरे वही जो तुम्हारे लिए कैरिया लाने गया है। कैरी? हाँ। तुम मुझे कैरी खिलाओगी? हे भगवान, इसे मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कौन है? बोलो ना, कैरी खिलाओगी? एक तरीका है। अच्छा तुम कैरिया अपने हाथ से तोड़ोगी ना? हाँ, हाँ,
मैं दौड़ूंगी। अच्छा अच्छा चलो। हाँ देखो यहाँ पे कितनी सारी कैरिया है। बाप रे, मैं चलो गई। मैं नहीं, बहुत ऊपर है, मैं तोड़ती हूँ ये ये। अरे बाप रे, अरे वाह, अब ये। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी! इसे पहले कभी देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा भैया, पता नहीं कहाँ से आ गई। हाँ। अजीब लड़की है वो, देखो। अरे ये लड़की तो पागल है, गांव में कहाँ से आ गई। अरे अरे अरे, अरे क्या कर रही है, अजीब पागल लड़की है ये। अरे हटो, चल हटो ना, चल चल। हाय दैया, इसका तो आखिरी महीना चल रहा है। भगवान, चाची ये तो कुंवारी है। कुंवारी है? अरे हाँ, इसकी मांग तो सुनी है और पेट में बच्चा। अरे भगवान। अरे मेरी छड़ी। अरे कैसी लड़की है। अरे देना, अरे मेरी छड़ी दिला दो। अरे इसके गले में तो मंगलसूत्र भी नहीं है। अरे ये तो उल्टा है, पापन है, मारो इसको। मारो, मारो। अरे ये क्या कह रहे हैं। अरे हट, तू कहां से निकला। रिजू भैया, तुम इसे जाना था का? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं। अरे जिस गर्भवती औरत की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो, वो इसकी रखेल के सिवा और क्या हो सकती है। हरामजादे, ये मेरी बहन है, ये मेरी सगी बहन है, समझो। तू कोई भगवान का अवतार नहीं है कि तेरी बहन होने से इसके पाप धुल जाएंगे। अगर कुल देवता के प्रकोप से बचना चाहते हो तो इस पापन को भी मार दो। या फिर इस आदमी से कहो कि ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। ठीक है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अपनी बहन को लेकर इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चल लक्ष्मी, चल मेरी बहन। Thank you.
उठो 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 कौन हो तुम? नहीं पहचाना मुझे? नहीं तुम हो जिसे कुछ याद नहीं, एक मैं हूं जो कुछ नहीं भूला, एक तुम हो जिसने एक मासूम लड़की को 1,00,000 रुपए में बेच दिया, उस पर जुम पे जुम था तेरे, और एक मैं बेबसी की आग में जलता रहा। याद कर वो लपटे, वो आग अपने हर कुकर्म हर पाप याद कर। राजू याद आया ना जगपाल? राजू याद है? सूर्यदेव सिंह कहाँ है? पुलिस स्टेशन में होगा। वहां नहीं है वो? तो अपने घर में होगा। वहां भी नहीं है वो? तो मैं नहीं जानता। बता दे। मैं नहीं जानता बेटा। बता दे। मैं नहीं जानता सूर्यदेव सिंह कहाँ है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सच नहीं बताओगे जगपाल, मैं जानता हूँ, इसलिए कि मेरे इन हाथों में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं तुमसे सच खुलवा सकूं। हाँ जगपाल, मुझे नफरत हो गई अपने इन हाथों से। यह हाथ अपनों का प्यार नहीं पा सके, यह हाथ अपनों को इंसाफ नहीं दिला सके, यह हाथ तुम्हारी और सूर्यदेव सिंह की गर्दन को तोड़ नहीं सके। मुझे नफरत है इन हाथों से। देखो जगपाल, आज कैसे मैं अपने ही हाथों से अपना ही यह हाथ काटता हूँ। देखो जगपाल, देखो कैसे मैं अपने हाथ काटता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये। क्या हम जान सकते हैं कि तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? एक मुजरिम खुद अपने मुंह से कैसे कहेगा कि वो किसी का खून करके आ रहा है? किसने कहा कि मैं खून करके आ रहा हूं? मैंने कहा है। इंस्पेक्टर बरखा शर्मा, अभी अभी मुझे हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है कि जगपाल का खून हुआ है। यही वो कुलाड़ी है ना जिससे तुमने जगपाल का खून किया है? क्या तुम अब भी यही कहोगे कि तुम खूनी नहीं हो? जब तक मैं एक और पापी के खून से अपने बदले की आग बुझा नहीं लूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं एक मुजरिम नहीं बल्कि अपने स्वर्गवासी माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए एक डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी बहन जिसे लोग उल्टा और पाप नहीं कहकर पत्थरों से मारते हैं, वो आज की तरह एक जिंदा लाश नहीं बल्कि एक हस्ती खिलखिलाती खुशनुमा जिंदगी थी। मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता था
जब वो मुझे प्यार से भैया कह के पुकारती थी। भैया, राजू भैया। अरे भाई क्या है, तुम जल्दी से दूध पी लो, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। नहीं भैया, दूध नहीं। भैया पी लो ना दूध। ये क्या रोज रोज तू दूध का गिलास लेकर मेरे पीछे पड़ जाती है, इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है। कितनी पढ़ाई करती है, घर का सारा काम करती है, कॉलेज जाती है, और हाँ इस घर में दूध मेरे लिए नहीं तेरे लिए आता है। और तुम जो मेडिकल कॉलेज की बड़ी बड़ी किताबों में सर खपाते हो, शाम को ट्यूशन पढ़ाते हो और रात को पार्ट टाइम जॉब करते हो, इसकी जरूरत तुमको ज्यादा है। ठीक है, काम करते हैं, आधा दूध तू पी ले, आधा मैं पी लेता हूँ। पूरा दूध तुमको पीना पड़ेगा। तू चुप करके पीती है कि मारू एक थप्पड़। और क्या करती मैं, तुमने मुझे डरा जा दिया, छोटी बहन हूँ ना इसलिए इतना जोर चलाते हो। भाभी को आने दो तो? फिर देखना क्या कैसे उसके इशारों पे नाचोगे। मैं जोरू के गुलाम बन जाओगे। मैं गुलामी करूँगा। करोगे करोगे, वो दिन को रात कहेगी, तुम रात कहोगे। अरे देखेंगे देखेंगे देखेंगे। मुझे तो अभी साफ दिखाई दे रहा है, तुम झाड़ू लगा रहे हो, झूठे बर्तन साफ कर रहे हो। क्या बोली? लक्ष्मी की बच्ची, लक्ष्मी की बच्ची, मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा। अरे अरे झाड़ू पोछा ही क्या, सुबह शाम खाना भी बनाओगे। ऐसा मगड़ कान मरोड़ता हूँ ना मैं। लक्ष्मी 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 क्या कह रही थी, मैं उसके पाँव दबाऊंगा, उसके पाँव नहीं दबाऊंगा, तेरे पैरों में जंजीर बांध दूंगा जिंदगी भर के लिए, समझी? अब बोल कौन किसकी गुलामी करेगा, वो मेरी है मैं उसकी। हाँ भैया कॉलेज तो 10 बज गए। कॉलेज जोरू का गुलाम। तेरी मेरी जोरू का गुलाम बोलती, मैं और जोरू का गुलाम दिखता है, किसी को दिखता ही नहीं आजकल। अरे यार सब बुक्स खराब हो गए, बारिश का दिन तो अच्छा, वो पानी से बच गए हैं तो लड़की के पाओ यार। कॉलेज को देर हो रही है। ए डार्लिंग। हाँ वो देख, वो देख, वो देख, कैसी है? माल है। छेड़ दूँ क्या? हाँ? हाँ हाँ छेड़ दो। ऐसी गुस्से वाली नखरे वाली लड़कियाँ मुझे बहुत पसंद है। आओ ना। ये? You idiot! मेरी बहन को छेड़ा है। गरीब की बहन तो होती है छेड़ने के लिए सर। You are a bad man. Yeah, I'm a bad man. छी, कितना कमीना है बॉबी, बहन को सीटी मारी और भाई की पिटाई कर दी। पूरे कॉलेज की लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। काश कोई इसे सबक सिखाता। कहाँ खो गया यार, फीस नहीं जमा करनी है? हाँ करनी है। फीस फीस फीस, तुम लोगों का बाप क्या कोई खजाना छोड़ के मरा था जो जिंदगी भर में तुम्हारी फीस का खर्चा उठाता फिरो? बात बात में आप पिताजी का ताना क्यों देते हैं चाचा जी? ये मत भूलिए कि मरते वक्त वो बंगला और लाखों रुपए छोड़कर गए थे और वो सब कुछ आपने अपनी शराब और अय्याशियों में उड़ा दिया। क्या बोला? मैं अय्याशी करता हूँ, मैं अय्याशी करता हूँ। आज से तेरी पढ़ाई बंद, अपने लिए जाके कोई नौकरी ढूंढ ले, जब मर यहाँ से। ऐसा जुल्म मत करो चाचा, पढ़ाई छोड़ देगा तो इसकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा इतना ही प्यार अपने भाई से, तो तू क्यों नहीं कर लेती नौकरी है? तुम रो मत दीदी,
भाग गई पढ़ाई। मैं नौकरी करूंगा दीदी, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हें तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालने के लिए नौकरी करूंगा मैं दीदी। ए, ये क्या टेस्ट हुए बाहर? ये तो है, ये ले पैसे और जा भर दे कॉलेज में जाके। इतना डरती क्यों है मुझसे? मेरे नाम की अंगूठी पहनी है तूने। अरे मेरी होने वाली बीवी है तू, इतना डरेगी तो सुहागरात कैसे मनाएगी? अरे आओ आओ जवाई राजा, खड़े क्यों बैठो ना। मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया हूँ, यह बताने आया हूँ कि हफ्ते भर के लिए मैं अपने गांव जा रहा हूँ और गांव से आते ही मैं से शादी करूंगा। अरे सगाई की अंगूठी तो पहनाई दी है तुमने, अब फेरों के लिए थोड़ा और सब्र कर लो। बड़े बूढ़े कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मैंने सिटी मारी। और इसके लिए तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि तेरी बहन में ऐसा है ही क्या जो इसको देख के कोई सिटी मारे। साले तेरी ये मचाल इन सब के सामने मेरी बहन की बेइज्जती करता है। हाँ हाँ, इज्जत तो तुम अमीरों की बहनों की होती है ना, क्योंकि गरीब की बहन तो कचरे का डब्बा है, जिसका मनाया थूक दिया। हरामजादा, तू मेरी बहन की बराबरी इन दो कौड़ी की लड़कियों के साथ करता है। तेरी बहन क्या खाके इनकी बराबरी करेगी रे? अरे इन गरीब लड़कियों के लिए तो इनकी इज्जत ही काशी और गंगा है, मगर तुम जैसे अमीरों की बहन, अरे सब जानते हैं सब जानते हैं, कहां कहां जाके मुंह मारती है, 90 चूहे खाती है और गंगा नहाने जाती है, समझा? यू बास्टर्ड। इसके लिए मैं ही काफी हूं।
सर मुझे बचा लीजिए सर, देखिए मारने आ रहा है सर, देखिए देखिए सर, देखिए मुझे मारने आ रहा है सर, सर बचाइए मुझे सर, सर देखिए सर। मेरी बेटी को तू छेड़ता था ना? नहीं सर, मैं नहीं सर, मैंने उसे सीटी तू मारता था ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब भगवान के लिए मुझे मेरा काम करने दो और इसे इसका। नहीं सर। एक बात कहूं आपसे जी? अब मैं आपसे क्या कहूं, मैं आपका नाम तक नहीं जानता। पारुल, तुम ये मत समझना कि तुम्हारी ये कहानी सुनकर मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं, प्यार हो गया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा प्यार हो, और अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो कहो पारुल, तुम मुझसे शादी करोगी?
क्या नाटक करते रहते हो तुम लोग यार, चल ना। वेटर, ओए वेटर। यस सर। ये पैंट होटल वालों ने दी है या तू किसी से मांग कर लाया है, बोल ना। लात मत मारिए साहब। अबे तू गरीब आदमी है, थक्के लात खाने की आदत डाल ले। यार इसकी तनख्वाह कितनी होगी? यही कोई 1000 रुपए महीना बस। अगर ये चाहे तो एक दिन में 1000 रुपए कमा सकता है। लेकिन इसको करना क्या होगा? हर रात को अपनी बहन को मेरे घर छोड़कर दूसरे दिन सुबह मेरे घर से ले जाना होगा, बस दैट्स ऑल। ये ले एडवांस 1000 रुपए। कम है तो बोल, एक और देता हूँ। कम है तो बोल, एक और देता हूँ। नहीं, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, गलती मेरी थी, मैं ही कुछ ज्यादा बोल गया। बैठ जा, बैठ जा। देख यार, आई एम सॉरी, ओके? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते यार। देख सॉरी, 3 बियर लेके आया यार, प्लीज। आई एम सॉरी, थैंक्स यार। हाँ जी सर। रामनगर पुलिस स्टेशन। देखिए वहां सूर्यदेव सिंह आए हैं, इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह शहर से। सर, सर आपका फोन है। हेलो, इंस्पेक्टर सूर्यदेव स्पीकिंग। हाँ सूर्य, बॉबी बोल रहा हूँ। हाँ बॉबी बोल, क्या हाल है मेरे दोस्त? यार हाल तो ठीक नहीं है, कोई सुन तो नहीं रहा ना? नहीं, बेफिक्र होकर बोल। मेरे हाथों एक लड़के का खून हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक औरत ने देख लिया। मैं उसके पीछे भागा भी, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर भाग गई। लेकिन सूर्य, मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। गुड। सुनो दोस्त, अगले महीने मेरी शादी है, जरा 5 लाख रुपए का इंतजाम कर देना। समझो कि इंतजाम हो गया है। तो समझो कि तेरा काम भी हो गया। जिस लाश को कोई लेने नहीं आता, मेरा मतलब है लावारिस लाश का आप लोग क्या करते हैं? उसे हम सरकारी बिजली भट्टी में जला देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर साहब
मेहरबानी करके ना इस लाश को भी बिजली की भट्टी में जला दीजिए। नहीं, ऐसा मत करो चाचा, ये कोई लावारिस लाश नहीं है, ये मेरा भाई है। साली ड्रामा करती है मेरे साथ, चल चाचा, चल चाचा। नहीं चाचा, चाचा सुनो, चाचा प्लीज। मर गया तेरा भाई, मेरा भाई। चलो चाचा, चाचा छोड़ दो चाचा, चाचा प्लीज। राजू, राजू, ये लोग मेरे भाई को बिजली की भट्टी में जला देंगे। राजू, राजू। रो मत पारुल, रो मत तू। ए, छोड़ दे इसे। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। सच? मैं तो डर गया। मैं छोड़, अबे छोड़, मैं कहता हूँ छोड़। तू कहाँ जा रही है? मैं राजू के साथ जा रही हूँ। किस हैसियत से? उसकी होने वाली पत्नी की हैसियत से। अरे तू उस पुलिस वाले को नहीं जानता, जब उसे पता चलेगा ना कि उसके सब लोगों का महल जल गया है, तो वो दिल जला सारी दुनिया में आग लगा के रख देगा। अच्छा तो यही है तेरा यार जिसके साथ तू आंख मटक्का कर रही है? हाँ। अब कर लो जो करना है।
भैया 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 दूध पी लो। नहीं दूध नहीं चाहिए मुझे। अच्छा बच्चे जिद नहीं करते पी लो। अरे नहीं चाहिए यार। प्लीज भैया पी लो ना। नहीं नहीं नहीं, जब वो इतने प्यार से कह रही है तो पी लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, पी लेता हूँ। दे चोरू का गुलाम। ब्लाउज प्रेस करना। ला मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूंगी। अरे लाना कुछ नहीं होता ना। अरे लाना। ओहो भाभी का ब्लाउज प्रेस कर रहे हो। हाँ मैंने सोचा लगे हाथ इस पे भी हाथ फिरा दूँ। हाँ हाँ लगे हाथ भाभी के झूठे बर्तन भी साफ कर देना। ठीक है कर दूंगा। नहीं नहीं मैं पता सब करूंगा। और लगे हाथ भाभी के सैंडल की पॉलिश कर देना भैया। सैंडल पॉलिश नहीं, मैं तेरे भेजे की मालिश करूंगा। क्या हुआ? कुछ जल रहा है। क्या जल सकता है? भाभी का ब्लाउज। ब्लाउज ब्लाउज भाभी का ब्लाउज चला दिया। अब ये क्या पहनेगी? तुम अपना कपड़ा दो उसे। मेरे कपड़े? मेरे कपड़े भाभी को तंग होंगे। तुम एक काम करो, तुम भाभी के लिए कुछ और कपड़े खरीद लो और साथ में एक शादी का जोड़ा भी। शादी का जोड़ा? हाँ शादी का जोड़ा। तुम और भाभी फौरन शादी कर लो। शादी ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नामामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। वर के हाथ में कन्या का हाथ दीजिए। ओम गणानन पा गणपति हुम हवा महे गठबंधन कीजिए। ओम प्रियानन पा प्रियपति गुम हवा महे। रोक दो ये शादी, ये शादी नहीं हो सकती। रवि का खून करते हुए आपने इसी लड़के को देखा था ना? जी जी हाँ। झूठ बोलती है औरत। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। अरेस्ट इंस्पेक्टर। भैया मैं साजिश है मेरे खिलाफ। इंस्पेक्टर ये तो मैं नहीं जानती कि ये झूठ बोलकर आपको क्या मिला, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस झूठ ने मेरा तो सब कुछ लूट लिया। चल भैया उतार ये शादी का जोड़ा, ये तुझे अच्छा नहीं लगता। चल बोल
बोल उस इंस्पेक्टर के साथ शादी करेगी या नहीं, बोल। अगर मैं इनकार करूं तो तुम मुझे मारोगे? तो फिर देर किस बात की है चाचा, मार मार के मेरी खाल उधेड़ दो। चाचा मुझे कसम है मेरे यार की, मैं उफ तक नहीं करूंगी। मुझे भी कसम है, आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना इसी कोतवाली में मैं तेरी कब्र खोदूंगा। पारुल की मर्जी के खिलाफ तूने उससे सगाई की, नाजायज तरीके से। यह जानते हुए भी कि वो बालिग है, तूने उसे कॉलेज से अगवा करने की कोशिश की, नाजायज तरीके से। और अब उसे पाने के लिए तू मुझे फांसी पर चढ़ा देना चाहता है, वो भी नाजायज तरीके से। लेकिन इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि तू खुद चाहे इस बाप का बेटा नहीं, पड़ोसियों की मेहनत का नतीजा है तू। कमीने, मेरी गलत हरकतों का नतीजा तो तू तब देखेगा जब मैं तेरी महबूबा के साथ शादी करके यहीं इसी जगह तेरी आंखों के सामने उसे लेकर आऊंगा। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे। ये लो 100 रुपया पंडित, मंत्र जरा शॉर्टकट में पढ़ना। अरे यार थोड़ी देर और सबर कर ले, मैं तेरी सेज सजा कर आता हूँ। सिगरेट दे यार। रिवॉल्वर दे, मैं कहता हूँ रिवॉल्वर दे। बताओ बताओ मेरे भैया कहाँ है, बताओ। बताता हूँ। ओम मंगलम भगवान मंगलम करुणा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तन्नो हरि ओम गणनाथ मणि मंगलमय गणय त्रिंबके गौरी नारायण। मंत्र चालू रख पंडित। इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर, इतना भी नहीं सोचा कि तेरे बाद तेरा क्या होगा।
मेरे सपनों का खून किया है तूने, मेरे अरमानों की चिता जलाई है तूने। इसकी चिता में ये अकेली नहीं जलेगी, तू भी जलेगा इसके साथ कमीने, तू भी जलेगा इसके साथ कमीने। सूर्यदेव सिंह, तुम्हारी सुहाग की सेज बड़ी सोनी होगी। अगर पारुल के साथ तुम सुहागरात नहीं मना सके तो कोई बात नहीं, इसकी बहन के साथ अपनी सुहाग की सेज सजा लो। खबरदार, जो मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया। सूर्यदेव सिंह, खबरदार, जो मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया। नहीं, मैं मार डालूंगा सबको। मेरी लक्ष्मी पागल हो चुकी थी, पुलिस कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी थी। मैं अपनी बहन को लेकर गांव गांव भटका, अंत में इस गांव में मुझे शरण मिली। बदले की आग अपने सीने में छिपाए मैं अपनी बहन के प्रसव का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि बलात्कार के वक्त पागल हुई औरतों का पागलपन कभी कभी प्रसव के बाद दूर हो जाता है। मगर इसने मेरी बहन का राज खोलकर मुझे वक्त से पहले हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। और अब मैं ये चाहूंगी कि तुम हथियार छोड़कर अपने आप को कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि कानून से तुम्हें मैं इंसाफ दिलाऊंगी। अरे कौन सा तेरा कानून, एक बार उस तवायफ पे भरोसा कर लो भैया जो कोठे पे मुजरा करती है, लेकिन उस कानून पे नहीं जो अमीरों के कोठे पे ठुमके लगाती है। मगर आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि इसी कानून की नजरों में बिरजू एक खूनी है। अरे खून तो राम भी किया था रावण का, तो क्या तेरा कानून उसको भी सजा देगा? और खून तो किशन भी किया था कंस का, तो तेरा कानून में इतनी हिम्मत है कि उसको भी फांसी दे? हैं? मैं बिच्छू को फांसी पे चढ़ते नहीं देखना चाहती, इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे पुलिस आने वाली है
अब पुलिस आए या मिलिट्री, बिरजू की जान बचाने के लिए गांव का एक एक मर्द अपनी जान पर खेल जाएगा। हाँ, बिरजू के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। अरे तो हम का पीछे रहेंगे, जान देने में हम भी कंधे से कंधा लड़ा देंगे। गांव को चारों तरफ से घेर लो, कुछ लोग यहां से जाओ, कुछ लोग यहां से, और कुछ लोग। बिरजू भैया, ठाकुर साहब, पुलिस वालों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। हरामजादा, ने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूर्य देव सिंह, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तुम इसे गिरफ्तार करने आए हो, इसे मारने का तुम्हें कोई हक नहीं। तूने इन्फॉर्म किया, तेरी ड्यूटी खत्म। एंड डोंट यू फॉरगेट, आई एम योर सीनियर ऑफिसर, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गांव वालों, राजू उर्फ बिरजू के खिलाफ बयान लिखना है। कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? तू लिखेगा? हम तो अंगूठा छापे साहब, हमें लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। तेरे को तो आता है ना? नहीं, लिखना नहीं आता, खाली पढ़ना आता है। खाली पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता, हरामजादे। क्या इस गांव के अंदर ऐसा कोई नहीं जिसे लिखना आता हो? है कोई इस गांव के अंदर? मुझे लिखना आता है। कहिए क्या लिखना है। शाबाश, इस देश को तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो कानून की मदद करते हैं। शाबाश। लिख, राजू नाम का एक खतरनाक मुजरिम हमारे गांव में छुपा था और हम सब गांव वालों ने मिलकर उसे जान से मार दिया। तेरे को तो पढ़ना आता है ना, इधर आकर पढ़। बिरजू को पकड़ने आए इस कमीने इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह ने शराब के नशे में गांव की औरतों की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए हम सब ने मिलके इस कमीने इंस्पेक्टर को जान से मार डाला। What the?
अब मुझे गलत फहमी हो गई थी कि बिरजू इस गांव का मुखिया बनना चाहता है। अगर मैंने उसकी दर्दनाक कहानी पहले सुन ली होती तो बिरजू की बजाय मैं तेरा कत्ल कर देता। हाँ, मैं तेरा कत्ल कर देता हरामजादे। तुम जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से इस देश की भोली भाली जनता का विश्वास कानून से उठ गया है। बिरजू को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़े तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, अगर तू मुझे मारेगी तो जिस कानून की तू पैरवी कर रही है वही कानून तुझे फांसी के तख्ते पर लटका देगा। अगर मेरी जान बिरजू के किसी काम आ गई तो मैं समझूंगी कि मैं सुहागन हो गई। अब मैं सबसे पहले तेरे को शूट करूंगा। लोगों को मारने पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा इंस्पेक्टर। इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि बिरजू भैया कहां छुपे हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हें कोई बताएगा नहीं। तेरा तो बाप भी बताएगा। नहीं, 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 मत मारिए मेरे पति को। मत मारिए। तू भी नहीं बताएगी कि बिरजू कहां है? को लगाम दे इंस्पेक्टर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों बे? बड़ी मोहब्बत है इससे। साला लगता है क्या तेरा? ये मेरा साला नहीं लगता। रिश्ते में मैं इसका साला लगता हूं। ये मेरी बहन का सुहाग है, इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो फिर तेरी बहन की इज्जत की रक्षा करना भी तेरा फर्ज है। तूने मेरी बहन को हाथ लगा, मैं तुझे जिंदा नहीं करूंगा। छोड़ो, तोड़े तोड़े करो। सर, सर, बिरजू का पता चल गया है। वो गांव में ही एक घर में छुपा हुआ है। बिरजू भैया, पुलिस को इस घर का पता लग चुका है और पुलिस इधर आ रही है। नहीं 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 बिरजू बेटा, नहीं, तुम यहां से चले जाओ। लक्ष्मी की जान को खतरा हो सकता है। जा बेटा जाओ। गोटियां खत्म हो गई। हाँ। अंदर से अंडे लेकर आऊं? अरे अंडे फूट जाएंगे। अच्छा? चल चल चल। बिरजू को पकड़ने आए हो? एक मिर्ची पाउडर। ये जंगली कुत्तों की तरह कहां भाग रहे हो साहब?
गांव के एक आदमी को रात के 12 बजे सब नंगे दिखते हैं। ए, बिरजू मिला? नहीं सर, गांव वालों ने हमारी आंखों में मिर्ची फेंक कर बिरजू को वहां से भगा दिया। बिरजू भाग गया? बिरजू भाग गया? और तुम लोग अपनी मनुष्य सूत्र लेकर मेरे सामने आ रहे हो? गांव वालों की तो ऐसी कम तैसी है, एक भी आदमी मुझे इस गांव में नहीं चाहिए। मार मार कर हराम जादों को चौपाल में जमा कर दो। जाओ। हवलदार 906 रिपोर्टिंग सर। हाँ, राजू को गिरफ्तार करने के बजाय इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए उसे नकली एनकाउंटर में मार देना चाहता है। बट दिस इज नॉट माई ऑर्डर। मेरा आदेश ये है कि तुम उसे रोको। कैसे रोके कमिश्नर साहब? एक तो वो हमारा अफसर है, दूसरे उसके सर पर खून सवार है। गांव वाले उसे रोकते हैं तो उन पर भी अत्याचार करता है। तो मैं वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन सुनो, मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम लोग उसे गिरफ्तार कर लो, ये मेरा हुक्म है। ओके सर, ओवर। भगवान, अम्मा लगता है इसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। जिंदा है तो बिरजू का पता आसानी से चल जाएगा। इसे इसे बच्चा होने वाला है, इसे छोड़ दे बेटा, इसे छोड़ दे। इसे छोड़ दो? हाँ। छोड़ दो? हाँ। कैसे छोड़ दो? हाँ? अपने होने वाले बच्चे की माँ को कैसे छोड़ दो? हाँ। नहीं छोड़ सकता। तोला, अगर गुली से सांड बेकाबू हो गया तो उसे बिरजू के सिवा कौन छेड़ेगा? तो ये बात है। अब देखता हूं कि बिरजू बाहर कैसे नहीं आता है। बिरजू, कहाँ है बिरजू? अरे ये तो बिरजू का चहिता है,
इसके लिए बिरजू क्या, उसकी लाठी ही काफी है। तो ये बिरजू का चाहता है। बिरजू का चाहता है ये, बिरजू का चाहता है ये, बिरजू का चाहता है। और कौन है बिरजू का चाहता? मैं हूँ उसका चाहता। मैं हूँ, मैं हूँ, और मेरा ये भाई है। हम सब हैं। हम सब हैं। बिरजू, हम सब। बिरजू भाग, भाग, बिरजू भाग, भाग, बिरजू लोगों को जानबूझकर इधर लाया ताकि बिरजू उस इंस्पेक्टर से अपना बदला ले सके। थोड़ी देर बेटी। ये देखो,
के दो। लक्ष्मी, लक्ष्मी ये क्या हो गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी ले जाओ इसे, गाड़ी को ले जाओ। इसे अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो करने दो। क्या करने तुम बुढ़िया? इसे इसे अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो करने दो बेटा, मैं हाथ छोड़ती हूँ। करने देता हूँ उसको अपनी बहन का अंतिम संस्कार, लेकिन उसके बाद इसकी चिता जलेगी और मैं करूंगा अंतिम संस्कार। अबे जल्दी कर, तेरी बहन का अंतिम संस्कार है, उसकी शादी नहीं। मिस्टर साहब, मैं अपनी बड़ी बेटी का कन्यादान तो नहीं कर सका, चाहता हूं अपनी छोटी बेटी का कन्यादान अपने हाथों करूं, इसलिए हमारे बिरजू को कानून की हथकड़ी से आजाद करके वापस गांव भेज दीजिएगा। बेटी, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब तुम दोनों को वो हथकड़ी पहनाई जाए जिसका दुख नहीं खुशी होती है।